अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं वालेकुम आप सलाम सर? सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छी कैसी गुजरी आप सबकी ईद? सर, आप बताएं। सो के या जाग के? पहले मुझे ये बताओ। जाके सर नहीं दोनों। ना, नहीं, काम वाले की तरह काम किया या फिर क्या नाम है, एंजॉय किया? डिफरेंस होता है ना जाग के भी। दोनों किए हैं। पक्की बात जी सर। है, मलाइका ने तो सो के गुजारी मुझे लग रहा सर ऐसे ही। है। ऐसे ही वही मुझे पता है, सारा दिन सोई रही होनी है, अम्मा से गालियां खाई होनी है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, फिर उठी होनी है 5-6 बजे। ऐसे ही है ना मलाइका? सर फर्स्ट डे तो सो ही रही हूँ। हाँ देखो, पहले ही पता था मुझे, सारी आवाम ही ऐसी है। चलो शुक्र है, हम लोगों ने तो कोई ऐसा टाइम नहीं जाया कि अपना ईद पे। हम लोगों ने तो बड़ा चिल किया भाई, हमारी तो ईद भी 5 दिन की थी। सर वो कैसे? अच्छा कैसे क्या, हमने 5 दिन ईद मनाई है। लाइक थर्सडे को ईद थी ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन वो, संडे को भी डाल लिया। कल मेरा ऑफ था, मेरे फ्रेंड्स भी क्या नाम है जल्दी का ऑफ करके आ गए थे ऑलमोस्ट 2 PM, तो हम उसके बाद फिर शाम को कहीं ना कहीं निकले रहे हैं। तुमने तो 5 दिन ईद के बनाए। ओके सर। मेरी अब सुनो बात, अब हो गया रोजे खत्म, तो अब अगर लेक्चर किसी ने कहा मैंने नहीं पढ़ा, बड़ा ही मजा आएगा, फिर उस बच्चे को पेनल्टी डलेगी हैवी किस्म की, ठीक है? और जो क्या कहते हैं आपकी CPI, क्लास पार्टिसिपेशन, उसमें से भी मार्क्स किए जाएंगे कट। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको? यस सर, सर। जी नादिर साहब, सर यूनिवर्सिटी ओपन होने के चांस हैं? क्या करने के? यूनिवर्सिटी ओपन होने यूनिवर्सिटी ओपन के? होगी सर? जी ये आपके शफकत चाचू बताएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो यही है कि 23rd तक वो कह रहे हैं कि ओपन करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अगर तो ओपन हो गए तो ठीक है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ना हुए तो आप लोगों की किस्मत। माहीन, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट यानी कि 1.5 वीक अगो। सर हमने कैथेटराइजेशन पढ़ी थी, उसकी इंडिकेशंस पढ़ी थी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ी थी, कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी, पेशेंट प्रिपरेशन थी, और इसके अलावा पोजीशनिंग थी, और हमने टाइप ऑफ डाटा पढ़ा था, हमें कितने टाइप का डाटा मिलता है, और इसके अलावा इक्विपमेंट था। बहुत अच्छा। हाँ जी मलाइका, जी सर। ये बाजी ने सही बताया, हाँ जी सर, यही पढ़ा था आपने कौन सा पढ़ लिया? फिर भी सर, पढ़ा है। पक्की बात हाँ जी है। अच्छा मैं जरा देखूं क्या क्या था, कुछ सुन नहीं ले थोड़ा सा, बाजी इतना कह रही है मैंने पढ़ा है। भाजी एओर्टिक डिसेक्शन क्या होता है? सर, एओर्टिक डिसेक्शन ये होता है कि एओर्टा की लाइनिंग में ना, लाइनिंग के बीच जो है वो ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से एओर्टा जो है वो नैरो हो जाती है। गुड, यानी कि उसकी जो वॉल्स है ना, उनके आपस के दरमियान में ना ब्लड आने की वजह से उसकी, उसको बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। मतलब भाजी पढ़ ली है, यस वेरी गुड भाजी। आज फिर मुझे दूसरी दफा फील हुआ कि आप डीन के हकदार हैं। कहती होगी कहाँ फंस गई। अच्छा जी, आज वाला लेक्चर, आज का लेक्चर ना सिंपल सा, उसका ओवरव्यू ये दे देता हूँ आपको, क्या आज का लेक्चर छोटा सा है। उसमें सिर्फ आपको ये बताया गया कि हम जो टेक्निक यूज करते हैं ना, आपकी फेमरल आर्टरी को पंक्चर करके वहाँ पे आपका कैथेटर इंसर्ट करने तक के जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको हम बोलते हैं सेलडेंजर टेक्निक। क्या बोलते हैं? सेलडेंजर टेक्निक, ठीक है? तो आज हम वो पढ़ेंगे कि हम वो सेलडेंजर टेक्निक किस तरह यूज करते हैं फॉर कैथेटराइजेशन पर्पस। सबसे पहले वो कहता है जी, कैथेटर इंट्रोडक्शन, प्रिपेयर द कैथेटर इंट्रोडक्शन साइड विद एसेप्टिक टेक्निक, शेव्ड एंड क्लीन्ड, कैन बी एट फेमोरल, मोस्ट कॉमन ब्रेकियल, रेडियल, एक्सिलरी, जुगुलर, सबक्लेवियन एरियाज एंड सेलडेंजर टेक्निक इज यूज। सबसे पहले वो कहता है आपकी जो भी साइट है ना, जहाँ पे आपने क्या नाम है कैथेटर इंट्रोडक्शन करवानी है, मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, फेमोरल या फिर रेडियल। बाकी जो एक्स्ट्रा बताई गई है ना, ब्रेकियल, एक्सिलरी, ये
मैंने तो कभी नहीं देखी यूज होती हुई, ठीक है। हाँ, रेडियल कभी कभी शाज़ और नादर केसेस में देखी, क्योंकि मोस्टली मैंने जो एनजीओ देखी है वो बच्चों की देखी है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके अंदर भी ये फेमरल ही यूज करते हैं, कोई केस हो गया, ठीक है, जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो, तो उसके अंदर फिर रेडियल आपकी अप्रोच यूज की जाती है। उसके बाद वो कहता है, क्या नाम है, आर्टेरियल एंड वेनस एक्सेस एंट्री इनटू सर्कुलेशन इज ओनली द पेनफुल पार्ट ऑफ कैथेटराइजेशन प्रोसेस। पूरा आपका जो कैथेटराइजेशन का प्रोसेस है ना, उसमें जो पेनफुल पार्ट है ना आपका, वो कौन सा है, वही वो इतना सा पार्ट है जब आपको निडल लगाई जाती है और आपकी वेन में इंसर्ट की जाती है। वेन में चले जाने के बाद आपको पेन का एहसास होना बंद हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे क्या यूज किया होता है, एनेस्थीसिया, ठीक है। For best patient response, adequate generous anesthesia should be administered using a gentle approach. Percutaneous femoral artery puncture, widely used technique. Artery location, the femoral artery is usually begun using the patient's right femoral artery with the operator standing at right side of the patient. ठीक है, जो आर्टरी की लोकलाइजेशन है ना, वो आप राइट साइड पे खड़े होकर राइट फेमोरल आर्टरी को लोकलाइज करते हो, ठीक है। और बता रहे कैसे करते हैं, द इनगुइनल स्किन क्रीज इज लोकेटेड, ठीक है। जो आपकी इनगुइनल लिगामेंट होता है ना, वो आपकी क्या नाम है, ये इस एरिया में ग्रोइन रीजन में क्रीज सी क्रिएट करता है। क्रीज मीन्स क्या, यानी कि जो आपके जैसे कपड़ों के ऊपर ऐसे वो सिलवट नहीं पड़ जाती, उस सिलवट को क्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है उस तरह की एक यानी कि क्रीज सी क्रिएट करता है आपका इनगुइनल लिगामेंट, आपने उसको लोकेट करना होता है पल्पेशन के थ्रू। द इनगुइनल लिगामेंट लाइज डायरेक्टली बीनीथ द इनगुइनल स्किन क्रीज पैरेलल विद द लाइन फ्रॉम द आइलेट क्रेस्ट टू द सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। ये आपकी सिम्फिसिस प्यूबिस से आइलेट क्रेस्ट की लाइन, ठीक है, उसके बिल्कुल पैरेलल वो कह रहा है कि आपको इनगुइनल क्रीज मिलती है, ठीक हो गया, समझ आ गई यहां तक? यस सर, ठीक है। ये उसने एक और पिक्चर दिखाई हुई है कि आप कैसे, क्या नाम है, उसको पल्पेट करते हो, ठीक है। ये आपका इनगुइनल लिगामेंट, ठीक है, आपने इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर रखनी है आपने लिगामेंट के ऊपर, ठीक है। उससे आपको पल्पेशंस मिलेंगी फेमोरल रीजन के अंदर, जब जो चीज पल्पेट करी होगी इसका मतलब है वो आर्टरी है, ठीक है। आपने उसको चेक करना है और वहां पे अपनी नीडल इंसर्ट करनी है, ठीक है। द फेमोरल आर्टरी क्रॉसेस द इनगुइनल लिगामेंट एट एन इमेजिनरी पॉइंट दैट डिवाइड्स द लिगामेंट इनटू 1/3 मीडियल एंड 2/3 लेटरल, ठीक है। जो आप क्यों कह रहे हैं, जो फेमोरल आर्टरी, ठीक है, वो एक ऐसे इमेजिनरी लाइन पे लाई कर रही होती है जो कि इनगुइनल लिगामेंट को 2/3 मीडियल में, 1/3 मीडियल और 2/3 लेटरल में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। द फेमोरल आर्टरी पल्स इज लोकेटेड विद द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर्स पैरेलल प्लेस पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फेमोरल आर्टरी, ठीक है। आपने, आपको कैसे पता चलेगा कि फेमोरल आर्टरी के ऊपर मेरी, क्या नाम है, मुझे मिल गई है कि नहीं मिली? आप अपनी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से उस एरिया को, इनगुइनल रीजन के मिडल के एरिया को प्रेस करके चेक करेंगे, जैसे आप पल्पेशन लेते हैं अपनी नेक में से लेते हैं, या फिर अपनी, क्या नाम है, रेडियल आर्टरी से पल्पेशन डॉक्टर लेता है, ठीक है। सिमिलर वे में आपने फेमोरल आर्टरी की पल्पेशन लेनी है ताकि आपको पता चल सके कि मैं फेमोरल आर्टरी पे हूँ कि नहीं हूँ। द इंडेक्स फिंगर पल्पेट्स द आर्टरी 1 to 2 centimeter बिलो द इनगुइनल लिगामेंट द साइड ऑफ द एक्चुअल आर्टीरियल एंट्री विद नीडल, ठीक है। 1 to 2 centimeter बिलो आपने, क्या नाम है, पल्पेशन लेनी है फेमोरल आर्टरी की, और वहां से ही आपने नीडल इंसर्ट करनी है। लोकल एनेस्थीसिया आपने किस तरह देना, वो कहते हैं विद 25 गेज नीडल द स्किन इज इनफिल्ट्रेटेड सुपरफिशियली विद 2 to 3 ml ऑफ 1% लिडोकाइन, ठीक है। आपने स्किन को एनेस्थीसिया देना, ठीक है, अंदर नहीं जाना, ठीक है, सबक्यूटेनियस एनेस्थीसिया देना है कि स्किन के अंदर अंदर रहे, आपकी स्किन नंब हो जाए, बट जो आपकी अंदर का एरिया ना, यानी कि वेसल्स तक ना आपकी नीडल जाए, ऊपर ऊपर का एरिया आपकी स्किन के अंदर पेन ना हो, जब आपको नीडल इंसर्ट की जाए तो आपकी स्किन में पेन ना हो और आपके, क्या नाम है, जो मसल्स हैं इर्द गिर्द के उसके अंदर पेन ना हो, ठीक है। इसलिए आपने ऊपर सबक्यूटेनियस रहना है, ठीक है, अंदर नहीं जाना वेन्स के पास, आर्टरीज के पास, ठीक है। 1 to 2 centimeter बिलो वेयर द इंडेक्स फिंगर इज प्लेस्ड द पॉइंट इज द स्किन एट इट्स साइड लार्ज अमाउंट ऑफ लिडोकेन मे ऑब्स्क्योर द पल्स, ठीक है। अगर आप ज्यादा लिडोकेन की अमाउंट इंजेक्ट कर देंगे सबक्यूटेनियस तो आपको पल्पेशन आना भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत एडिक्वेट अमाउंट आपने लिडोकेन की यूज करनी है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट शुड बी इंजेक्टेड रिपीटेडली इंटर, सर एनेस्थीसिया दे के बाद हम उसकी पल्पिटेशन को चेक करेंगे, जी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ लिडोकेन मे ऑब्स्क्योर द पल्स स्मॉल अमाउंट शुड बी इंजेक्टेड रिपीटेडली इंस्टेड ऑफ ए लार्ज बोलस। अब वो कह रहे हैं कि एक दफा में ही आपने 10 ml लिडोकेन नहीं दे देना, ठीक है,
थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, यानी कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इतने इतने वक्फे के बाद आपने थोड़ा थोड़ा 1 ml, 2 ml, 1 ml, 2 ml इस तरह करके लिडोकेन इंजेक्ट करना है सुपरफिशियली, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट विद द 22 गेज निडल 10 to 15 ml ऑफ 1% लिडोकेन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डीप टिश्यू प्लेन्स ऑन ईच साइड ऑफ द आर्टरी, ठीक है। ये अब आपने सुपरफिशियली एनेस्थीसिया दे दिया, आपका सुपरफिशियल एरिया यानी कि स्किन और स्किन के थोड़ा नीचे वाला पार्ट वो हो गया आपका नम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डीप टिश्यू लेयर्स के अंदर यानी कि मसल तक अप्रोच करना है, ठीक है, कहाँ, आर्टरी के दोनों साइड्स पे, ठीक है, ताकि आपके जो डीप टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, वहाँ भी पेन आपको फील ना हो जब आप, क्या नाम है, आपका ये प्रोसीजर किया जा रहा हो, ठीक है। वो कैसे करना है आपने, वो 22 गेज की नीडल से करना है, 10 to 15 ml डायरेक्टली आपने इंजेक्ट कर देना। ड्यूरिंग लिडोकेन इन्फिल्ट्रेशन द ऑपरेटर शुड पल्पेट द आर्टीरियल पल्स विद द लेफ्ट मिडल एंड इंडेक्स फिंगर्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल पंचर ऑफ आर्टरी, ठीक है। अब आपने जब डीप फेशिया के अंदर लिडोकेन इंजेक्ट कर रहे होना है तो आपने चेक करना है कि आप गलती से कहीं आर्टरी को पंक्चर ना कर दें, ठीक है। वो किस तरह होगा, वही जो आप पल्पेशन ले रहे हैं अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, उससे आप साथ साथ चेक करते रहे कि आइदर आई एम प्रिकिंग द आर्टरी और नॉट। यहाँ तक समझ आ गई सबको? सर जी जी पूछो बेटे। सर लिडोकेन क्यों इंजेक्ट करेंगे इधर, ये तो सोडियम ब्लॉकर हमने पढ़ा था बेटे, एनेस्थीसिया है। जी जी सर वो तो पता है, लेकिन ये और चीज इसके एनेस्थीसिया इसकी जगह दे सकते हैं, ये और होती है लोकल एनेस्थेटिक जो है ना, वो मोस्टली लिडोकेन या ज़ाइलोकेन ही यूज होता है। ज़ाइलोकेन मोस्टली आता है ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है, लिडोकेन इंजेक्शंस की फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम लिडोकेन यूज करते हैं। अगर कोई और एनेस्थेटिक जिसका अच्छा इफेक्ट है, ठीक है, और वो लोकल एनेस्थेटिक है तो आप यूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं, सुफिशिएंट लिडोकेन आफ्टर 20 ml ऑफ 1% सॉल्यूशन शुड बी गिवन 2 to 3 minutes फॉर द फुल एनेस्थेटिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। स्किन एंट्री परफॉर्म अ स्मॉल इंसिजन बिफोर इंसर्टिंग ए सिलिंजर निडल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जहां पे आपने निडल इंसर्ट करनी है ना अपनी फेमरल आर्टरी के, उस पॉइंट पे आपने छोटा सा कट लगाना है, ठीक है। द ऑपरेटर मेक्स ए स्किन इंसिजन ऑफ ए 2 to 3 mm विद अ स्कैपल ब्लेड, ठीक है। जो आपका सर्जिकल ब्लेड होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्कैपल ब्लेड, ऐसे छोटे से चाकू की तरह का बना होता है। किसी ने देखा है तो शायद उसको पता होगा कि स्कैपल ब्लेड किस तरह का होता है। लेट मी शो यू इफ आई कैन फाइंड इट हियर। ये देखो, ये साइजेस के हिसाब से ब्लेड्स उन्होंने दिखाए हैं आपको, ठीक है, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्कैपल ब्लेड। इससे आप क्या नाम है, कट वगैरह, ये जो सर्जन हैं इन ब्लेड्स को यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली इस शेप का ब्लेड यूज किया जाता है, ठीक है। ये जैसे 10 वाला है या 22 वाला है, इस शेप का ब्लेड मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है आपके सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं, क्या नाम है, होल्डिंग द ब्लेड परपेंडिकुलर टू द स्किन एंड पेनिट्रेटिंग 2 to 3 mm इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर कट लगाना है, ठीक है, मतलब यानी कि ये आपकी फेमरल आर्टरी है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मींस इस तरह करके, जैसे इनगॉइनल लिगामेंट आपका जा रहा है ना इस तरह, ठीक है, डायगनली, ठीक है, इसी तरह आपने डायगनल सा कट लगाना है 2 to 3 mm इन लेंथ एंड 2 to 3 mm डीप, ठीक है, समझ आ गई है? Yes, sir. उसके बाद आ जाओ जी, ठीक है। प्रोसीजर्स ने बताया हुआ है आपको एक छोटी सी पिक्चर में कि आप सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दोगे, फिर स्किन को नम करोगे, वहां से वास्कुलर सेस लोगे, फिर ग्रॉइन शीट प्लेसमेंट करोगे, फिर हेपरिन दोगे और फ्लश करोगे ट्यूबिंग को, ठीक है। यानी कि पूरा प्रोसीजर्स ने 3 लाइनों में आपको डिस्क्राइब किया कि आपका कैथेटराइजेशन में क्या होता है। उसके बाद कहते हैं द सिंगल इंटीरियर आर्टेरियल वॉल टेक्निक इज प्रेफर टू फॉर द आर्टेरियल पंक्चर, ठीक है। क्या कहते हैं कि आपने आर्टरी की एक वॉल को पंचर करना है इंटीरियरली, ठीक है, ये टेक्निक यूज किया जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिलिंजर टेक्निक। द सिंगल वॉल टेक्निक बिगिंस विद द ऑपरेटर लेफ्ट हैंड फिंगर्स पोजिशन ओवर द फेमरल आर्टरी। ये कैसे शुरू होती है कि ऑपरेटर राइट साइड पे खड़ा होता है पेशेंट के, ठीक है, और अपनी लेफ्ट हैंड की मिडल इंडेक्स फिंगर्स को प्रेस करता है फेमरल आर्टरी के ऊपर। द आर्टीरियल निडल इज हेल्ड बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ठीक है, जो आपकी निडल है वो आप क्या अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के में पकड़ते हो विद द टिप बेवल डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अब टिप बेवल क्या होती है,
जो आप लोगों ने नीडल देखी होगी, नीडल के आगे क्या नाम है जो उसकी ओपनिंग बनी होती है, उस पे ना ऐसे डायगनल कट होता है, ठीक है, वो डायगनली कट होती है। देखा हुआ किसी ने नीडल को गौर से कभी? ये देखो भाई, ये जो तिरछा बना होता है ना, यानी कि निडल के आगे फेस तो बना ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको उन्होंने डायगनल कट किया होता है, ठीक है, इस तरह करके, तो इसको हम बोलते हैं निडल बेवल, कि निडल का जो बेवल है यानी कि जो उसकी ओपनिंग है वो किधर है, ऊपर की तरफ को होनी चाहिए। एक मिनट बच्चों मुझे दीजिएगा।
सॉरी बच्चों। अच्छा आप लोगों ने नीडल का बेवल देख लिया, ठीक है, यानी कि नीडल की जो ओपनिंग होती है, जो आपका डायगनल कट होता है, उसको बोलते हैं बेवल। वो कह रहे हैं कि आपका जो नीडल बेवल है ना, वो कहाँ होना चाहिए, उसका फेस अपवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। द नीडल इज हेल्ड बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड विद द टिप बेवल डायरेक्टेड अपवर्ड। ओके जो समझ आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है। The needle is introduced into the skin and advance slowly towards the artery at 30 to 45 degrees angle horizontal plane. Pulsations may be felt after it passes through the arterial wall. ठीक है, जैसे ही वो कहता है आपने 30 to 45 degrees के एंगल पे आपने needle को insert करना है skin के अंदर, जैसे ही वो arterial wall को puncture करेगी तो आपको pulsations feel होंगी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एट दिस पॉइंट ए जेट ऑफ ब्लड फ्रॉम द नीडल हब कंफर्म्स द आर्टेरियल पंक्चर, ठीक है। जैसे ही फिर नीडल की बैक साइड से, जिसको हम हब बोलते हैं, वहां से ब्लड का एक फ्लो आएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी नीडल एग्जैक्ट लोकेशन में आर्टरी के अंदर जा चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, द जे टिप्ड गाइड वायर इज स्ट्रेटनड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नीडल विद राइट हैंड। द वायर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द गुड पल्सेटाइल ब्लड फ्लो इज प्रेजेंट, ठीक है। नीडल इंसर्शन के बाद आपने उसके अंदर एक गाइड वायर डालनी है। गाइड वायर डालने का मकसद ये है कि आपने गाइड वायर के ऊपर ही अपनी कैथेटर को लेके जाना है, सारे रूट को यूज करते हुए, फेमरल आर्टरी, फिर उसके बाद आइलियक, वहां से क्या नाम है आपकी एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग से एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च से आपका एलवी, ठीक है। इस तरह यानी कि आपने इसको लेके जाना है, उसको कैथेटर को लेके जाना है, उसके लिए हमें चाहिए होती है गाइड वायर, ठीक है। इसलिए आप नीडल के अंदर इंसर्ट करेंगे गाइड वायर, और कब इंसर्ट करनी है, जब आपको अच्छा फ्लो मिल जाए गाइड वायर से। ये उसने फिर से एनाटॉमी आपको बताई हुई है डिटेल में, ठीक है, आपके क्या नाम है जो इनगॉइनल रीजन की एनाटॉमी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए कि किस तरह आपने पंक्चर करना है। ये उसने आपको इमेज दिखाया हुआ है आपके इनगॉइनल एरिया का, ठीक है, ये आपका इनगॉइनल लिगामेंट है, ठीक है। उसने कहा है कि उसे 2 to 1 to 2 centimeter या मैक्सिमम 3 centimeter बिलो, ठीक है, और आगे क्या है, सुपीरियर टू फेमरल आर्टरी बाइफर्केशन, यहाँ पे आपकी आर्टरी बाइफर्केट कर रही है, उससे भी 3 centimeter अबव, यानी कि इनके मिड में जाके आपने पंक्चर करना है अपनी फेमरल आर्टरी को, ठीक है। यहाँ से वो क्या कहता है, नीडल लें 30 to 45 degrees के एंगल पे स्किन के अंदर इंसर्ट करें, ठीक है। ये देखो स्किन के अंदर इंसर्ट होगी, आपको हब के अंदर से ब्लड का फ्लो मिला, ठीक है। अब क्या कहता है, गाइड वायर इंसर्शन, द गाइड वायर इज एडवांस जेंटली इनटू द आर्टरी, अ सॉफ्ट जे टिप्ड गाइड वायर इज सेफेस्ट, ऑल्दो स्ट्रेट टिप्ड गाइड वायर्स हैव बीन यूज्ड, द पोटेंशियल फॉर डिससेक्शन और टीयरिंग ऑफ द ब्लड वेसल वॉल इज हाई, ठीक है। जे टिप मतलब यानी कि आगे से फोल्ड हुई हुई जे की शक्ल में, वो वाली गाइड वायर जो है वो ज्यादातर यूज की जाती है, क्यों, क्योंकि उससे आपकी आर्टरी आर्टेरियल पंक्चर का खतरा कम होता है कि वो आर्टरी को पंक्चर करके उससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट टिप वाली भी यूज की जाती है कभी कभी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लेकिन उनसे हमें क्या पोटेंशियल होता है कि या तो वो प्लाक के पीछे से गुजर के आर्टरी की वॉल के अंदर चला जाएंगी और डिससेक्शन सा क्रिएट हो जाएगा, या फिर वो वॉल को पंक्चर करके आर्टरी से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बहुत ध्यान से इंसर्ट करना होता है आपकी गाइड वायर को। फ्लोरोस्कोपी शुड बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली टू चेक द गाइड वायर मूवमेंट, ठीक है। आपने जब गाइड वायर इंसर्ट करके उसको आगे एडवांस करना है तो आपको बार बार फ्लोरोस्कोपी चला के चेक करना पड़ता है कि आइदर हमारी गाइड वायर प्रॉपरली मूव कर रही है आर्टरी के अंदर से, या फिर कोई इशू आ रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ये आपकी गाइड वायर से दिखाई है, ये वाली जे टिप्ड है, ये थोड़ी सी बेंट है और ये स्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद ये देखो उसने आपको दिखाया कि नीडल के अंदर से आपने गाइड वायर इंसर्ट की, ठीक है, ये गाइड वायर इंसर्ट करके आप आगे ले गए, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नीडल को रिमूव कर देना है। नीडल को रिमूव करना क्यों है, क्योंकि आपने इसके ऊपर शीथ लगानी होती है, ठीक है, जिसके अंदर से फिर आप कैथेटर को गुजारते हो और गाइड वायर के साथ उसको आगे लेके जाते हो अपने कार्डियक चेंबर्स तक, ठीक है। फ्रॉम गाइड वायर टू कैथेटर इंसर्शन, If no resistance is encountered, the operator advances the guide wire several centimeters at first, then advances it further into the abdominal aorta using fluoroscopy. ठीक है, पहले थोड़ी सी guide wire आगे ले जाते हैं, फिर थोड़ी ज़्यादा लेके जाते हैं, फिर fluoroscopy में check करते हैं कि is it going on the right path or not, then आप उसको abdominal aorta तक लेके जाते हो।
Fluoroscopy of the guide wire moving through the iliac artery identifies large arterial plaques and excessive tortuosity, which complicates later catheter manipulation. ठीक है, fluoroscopy क्यों जरूरी होती है कि during the course of the guide wire, ठीक है, अगर guide wire को कहीं पे कोई क्या नाम है रेजिस्टेंस मिलती है या फिर कोई प्लाक्स आपको ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी नजर आते हैं, गाइड वायर की मूवमेंट मुश्किल होती है, ठीक है, या फिर आपकी जो आर्टरी है वो टॉर्चुअस है, मतलब यानी कि कहीं पे फोल्ड ज्यादा हुई हुई है, ठीक है, वहां पे भी आपको ऑब्वियसली बात है कैथेटर गुजारने में मुश्किल होगी, ठीक है, इससे आपको फ्लोरोस्कोपी के दौरान गाइड वायर को मूव करने के दौरान पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे हमें मुश्किल पेश आएगी जब हमने कैथेटर को लेके जाना है अपने चेम्बर तक, ठीक है. Use of a J-tipped soft spring guide wire is recommended because straight wire may pass under a plaque, resulting in dissection. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेट वायर जो है आपके प्लाक और आर्टरी के दरमियान से गुजर सकती है, जिससे क्या नाम है आपका प्लाक जो है वो मिस हो सकता है और जब कैथेटर इंसर्ट करेंगे तो हमें मुश्किल पेश आएगी. उसके बाद वो कहते हैं आफ्टर द गाइड वायर इज वेल पोजिशन इन द एओर्टा एट द लेवल ऑफ रीनल आर्टरीज द आर्टीरियल निडल कैन बी रिमूव. ठीक है, जब आपकी गाइड वायर ने आपकी रीनल आर्टरीज के लेवल पे एब्डोमिनल एओर्टा में पहुंच जाए तो उस टाइम पे हम नीडल रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने कर दी है. ठीक है, उसके बाद कहता है फिल्म प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द पंक्चर साइट. ठीक है, नीडल रिमूव करने के टाइम पे आपने फुल प्रेशर अप्लाई करना है अपनी पंक्चर साइट पे ताकि वहां से ब्लीडिंग ना हो. ठीक है, द गाइड वायर इज पिंच्ड फर्मली विद द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर एंड थंब विद द इंडेक्स फिंगर एंड थंब टू अवॉइड एक्सीडेंटल वायर रिमूवल as the needle is taken off from the guide wire from the artery. ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपकी जो गाइड वायर है ठीक है वो नीडल के साथ अंदर है. ठीक है, तो आप क्या करते हो इस पॉइंट के ऊपर ना यहाँ से अपनी आर्टरी को पिंच कर लेते हो. ठीक है, थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में क्यों पिंच करते हो, ताकि आपकी जो गाइड वायर है वो अंदर ही रहे और पीछे से आप अपना जो नीडल है उसको रिमूव कर लो. ये बात समझ आई है कि हम पिंच क्यों करते हैं? जिसके अंदर से आपका कैथेटर गुजरेगा. ठीक है, तो उस अब नीडल को आपने रिमूव करना है. ठीक है, नीडल को रिमूव करना है तो नीडल के अंदर तो है गाइड वायर. ठीक है, रिमूव कैसे करोगे? रिमूव इस तरह करोगे कि इस पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे ये मेरा कर्सर है, इस पॉइंट पे आप आर्टरी को पिंच करोगे. ठीक है, पिंच किस तरह, मतलब यानी कि आर्टरी को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में पकड़ लोगे. ठीक है, जोर से जब आप आर्टरी को पिंच करोगे ना तो बीच में ही आपकी गाइड वायर है तो वो भी आपकी ग्रिप के अंदर आ जाएगी. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो गाइड वायर है वो आपकी निडल के साथ आर्टरी से बाहर नहीं आएगी. अब समझ आइए? ठीक है, लाइक किधर है पेन? ये देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी के अंदर ना ये एक आर्टरी है. ठीक है, इसके अंदर आपने डाला निडल. ठीक है, और ये अंदर निडल ये आर्टरी के अंदर चली गई. ठीक है, उसके अंदर से आपने गुजार दी है ये गाइड वायर. ठीक है, अब ये गाइड वायर आप चाहते हो कि आर्टरी के अंदर ही रहे. ठीक है, और ऊपर से आप ये जो निडल है ठीक है इसको रिमूव कर लो. ठीक है, अब यहाँ पे ये आर्टरी के अंदर है. ठीक है, आप क्या करोगे, आर्टरी को बाहर से यूं पिंच करोगे. ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप आर्टरी को यूं पिंच कर लोगे तो आप इजीली ये निडल को ऊपर से रिमूव कर सकते हो. ठीक है, अब समझ आ गई है? ये होगा कि आपकी गाइड वायर वो आर्टरी के अंदर ही रहेगी और पीछे से आप इजीली निडल को रिमूव कर लोगे. ठीक है, समझ आ गई? यस सर. शुक्र है, आज ही समझ आ गई. मैं आके शायद दो दिन लग भी जाएंगे. क्यों भाई, दीन ओल्डर मलाइका समझ आ गई है? यस सर, समझ आ गई है. चलो शुक्र है, आज ही आ गई है. अच्छा, ठीक हो गया. उसके बाद अब आपने गार्ड वायर इंसर्ट कर ली. ठीक है,
अब इसके बाद वो क्या कहता है कि ना फ्लोरोस्कोपी गाइड वायर थ्रू द आई इन एडम से आगे, ठीक है यहाँ पे हो गया डिस सेक्शन क्रिएट हो जाता After the guide wire is well positioned in the aorta at the level of renal arteries, needle can be removed. Firm pressure is applied over the puncture site. The guide wire is pinned firmly with the left index finger. वही सारा कुछ बता दिया जो मैंने आपको, ठीक है. उसके बाद वो क्या कहता है कि अब guide wire आपकी जब यहाँ पे इसके अंदर है तो आपने क्या उसके ऊपर डालना है, sheath डालनी है जो मैंने बताया. Insert the catheter sheath with the dilator along guide wire, ठीक है. अब जो गाइड वायर ना उसके ऊपर आपने इस शीथ को चढ़ाना है, ठीक है. ये शीथ क्या काम करती है, ये आपकी जो आर्टरी उसको थोड़ा वाइडन कर देती है ताकि आपकी गाइड वायर की वो आपके कैथेटर की इंसर्शन जो है वो इजी हो जाए, ठीक है. अब जब आप इसको इंसर्ट कर लोगे ना तो उसके बाद आपने गाइड वायर को भी बाहर निकाल देना, ठीक है. ये आपकी गाइड वायर, इसके ऊपर आपने इंसर्ट की कैथेटर शीथ, ठीक है. तो वो कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगी, ठीक हो गया. ठीक है, रिमूव द गाइड वायर एंड डायलेटर टुगेदर, ठीक है, एंड रिमूव द गाइड वायर एंड डायलेटर, ठीक है. तो ये आपकी शीथ एंड पे रह जाएगी, ठीक है. ये जो आपको ग्रेश पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये आपका डायलेटर है, ठीक है. उसका ये ग्रीन पीछे कैप लगा हुआ है और ये डायलेटर है, ठीक है, ताकि वो आपकी शीथ के शीथ जो है वो आर्टरी के अंदर प्रॉपर चली जाए, ठीक है. उसके बाद आप डायलेटर के साथ अपनी गाइड वायर को रिमूव कर लो. इज इट क्लियर? जी सर, ठीक है. यहाँ तक का था आज का हमारा लेक्चर कि हमने कैसे आर्टेरियल साइड को लोकेट करके उसको पंक्चर करके, ठीक है, वहां से अपनी गाइड वायर डालनी है एंड देन हमने वहां पे शीट डालनी है. इससे आगे जो हमारा प्रोसेस है कि शीट का क्या काम है और उसके बाद क्या नाम है कैथेटर कैसे इंसर्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सर आपने क्या बताया, शीट के बाद हम गाइड वायर को रिमूव कर देंगे? यस. तो सर फिर कैथेटर कैसे मतलब इंसर्ट करेंगे? जब कैथेटर हम इंसर्ट करेंगे ना तो उसके अंदर ही एक ऐसे क्या नाम है जो इस तरह के मटेरियल से बना होता है कि क्या नाम है जो कैथेटर है उसको हम बगैर गाइड वायर के मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है. आपकी गाइड वायर इंसर्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो वे है, ठीक है, जहाँ पे हमने पतली आर्टरी से गुजरना है, ठीक है, जैसे फेमरल आर्टरी पतली होती है, आइलियक पतली होती है, ठीक है, ऊपर जब एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर से बाइफर्केशन जा रही होती है वहां तक आपकी आर्टरीज पतली होती हैं, तो क्या उस रास्ते के अंदर हमें कोई मुश्किल तो नहीं पेश आएगी वहां से गुजरते हुए, ठीक है. गाइड वायर हम सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है. ठीक है सर, अब समझ आ गई, क्योंकि उससे आगे तो एओर्टा तो बहुत बड़ा होता है ना, ठीक है, तो पतला सा कैथेटर होता है वहां पे, उसको कोई मसला नहीं होना आगे पीछे जाने में, ठीक है. जो पतली आर्टरीज है ना वहां पे कोई मसला पेश आएगा मूवमेंट में या नहीं, इसलिए हम गाइड वायर यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या नाम है वहां पे कोई प्लाक वगैरह या कोई नैरोइंग तो नहीं है आर्टरी के अंदर, ठीक है. ठीक है सर, ओके ओके हो गया. हाँ जी भाई, किसी और का कोई सवाल? नो सर. पूछ लो भाई, कोई सवाल सवूल आया तो बाद चो ना कहना. सर इंसीजन क्यों देते हैं हम? बेटे ये देखो, जो आपका क्या नाम है, जब आपकी शीथ है ना, ठीक है, ये भी थोड़ी सी क्या नाम है मोटी होती है, निडल जितनी पतली तो नहीं ना हो सकती, ठीक है. सिमिलरली क्या नाम है, क्या कहते हैं, जो आपने गाइड वायर इंसर्ट करनी है नीडल के अंदर, ठीक है, उसको भी आपने पकड़ के रखना. अब नीडल का तो पतला सा सुराख होता है, ठीक है, जब वो रिमूव करोगे तो गाइड वायर तो उससे थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, तो आपने उसको पिंच करके भी रखना है, तो इसलिए हम वहाँ पे एक छोटा सा इंसीजन दे लेते हैं, ठीक है, ताकि जब हमने ये शीथ वगैरह और कैथेटर वगैरह इंसर्ट करने हैं ना तो हमारे पास थोड़ी सी स्पेस हो, ठीक है. स्किन को जाहिर सी बात है आपको क्या नाम है उस टाइम तो नहीं ना फाड़ोगे यानी कि इसको मूव करने से, ठीक है, इसलिए छोटा सा कट लगा लेते हैं ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो. ओके सर. हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? सर लेडो के ज्यादा इंजेक्ट करने से क्या होगा? बेटे लेडो के ज्यादा इंजेक्ट कर दोगे ना तो आपको पल्सेशंस भी मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो क्या नाम है ऊपर वाला सारा एरिया नंब हो जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा नंब हो जाएगा कि जो नीचे से पल्सेशन ऊपर आपकी स्किन पे आ रही है ना वो आपको मिलना बंद हो जाएगी. उससे क्या होगा, आप आर्टरी को लोकेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है. सर अगर हम ज्यादा इंजेक्ट कर चुके हैं तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? उसका अल्टरनेटिव यही है कि फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि जब वो उसका क्या नाम है ड्यूरेशन थोड़ा कम हो के इतनी देर तक क्या नाम है आपका जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, उतना फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक आपको पल्पेशन प्रॉपर नहीं मिलती. ओके सर. जी भाई, और किसी जानू का सवाल, कोई मेरे काके का, भाइयों की बहनों का कोई सवाल? जी जी सर,
अब एंजियोग्राफी पढ़ना है, क्या हम किसी इनके भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं इस फील्ड से रिलेटेड, एंजियोग्राफी रिलेटेड? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, किसने कहा आपको नहीं कर सकते? आप जो जो सब्जेक्ट पढ़े आप हर जगह पे काम कर सकते हो सिवाय मेमो के। हाँ मेमो में भी काम कर सकते हो बाहर के कंट्रीज में, पाकिस्तान में और ये सऊदी कंट्रीज में, यहाँ पे नहीं, यानी कि इस तरह का ट्रेंड है बाहर के मुल्क में, तो आप मेमो में भी काम कर सकते हो, नो वरीज। ओके सर, और किसी काके काकी का कोई सवाल, छोटी मोटी टेंडेंस लगा लें जरा। हाँ जी हेमंत रीबा नासिर है क्लास में, दाऊद हैं क्लास में, फाखरा हैं क्लास में, लाइबा नवीद हैं, लिंता याकूब, यस सर, ओके, लाइबा मिया अली नवीद, नूर, मिया अली नूर, सर दीपा ना से प्रेजेंट है। राबिया इरफान है, रहमा सुहेल, यस सर, सहर नदीम, यस सर, सीमा भट्ट, यस सुंबुल, सर, प्रेजेंट उमेर, प्रेजेंट सर, वानिया, यस सर, उमे उमे इमन, प्रेजेंट सर, जैनब, जैनब अंसर, जी सर, जानिश, जरकम, ठीक हो गया बच्चों? ओके सर फिर पापा दफ्तर, बेटे, सर जिनका नाम अलोन, नहीं बोला, जिनका नाम नहीं बोला बेटे, उनकी सर लग गई है, दीपा सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी ना, आवाज जी किया था लग गई है, लग गई है, लग गई है, लग गई है, जिनका नाम नहीं बोला उनकी लग गई है। ओके ठीक है सर, बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।